हेलो एवरीवन, मैं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनकेएम वेंचर्स। इस वीडियो में हम जो इकोनॉमिक लॉ है उसको एंटायरली स्टडी करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए और हमने लिया है तो हमने कैसा डिसीजन लिया है और इसको इस एग्ज़ाम जो इसका होगा उसको हमें कैसे टैकल करना है, तो इसके बारे में मैं कम्प्लीटली इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों के भी काम आए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल एनकेएम वेंचर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनके नोट्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला तो पॉइंट है कि हमें इस सब्जेक्ट को क्यों लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला है क्योंकि ये ईजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसके जो मेजर जो मतलब मेजर जो चैप्टर्स होंगे वो हमने ऑलरेडी लॉ में कवर किया होगा। इसमें कुछ एक एडिशन चैप्टर होंगे, 3 या 4 चैप्टर जो हमें इसमें कवर करना होगा। लेकिन लॉ से ये थोड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि लॉ के अंदर तो हमें पूरा याद करना पड़ता है सेक्शन को और हमें उसको रिकॉल करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिकॉल करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि ये वाला जो भी केस पूछा गया है वो किस कॉन्सेप्ट से लिंक है। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको लिंक मतलब याद आएगा तो आप वो फटाफट उस पेज को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बुक ओपन कर सकते हैं तो बुक से रेफ़र करके लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसमें सेक्शंस तो हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, लेकिन हमें याद ऐसा रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये इजीली कवर हो सकता है। दूसरी बात है, हाँ, इसको हम कवर कर सकते हैं पूरे सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैंने वीडियोज़ जितनी दी है पिछले अटैम्प्ट में, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, लोगों को बेनिफिट मिला है, तो आप उससे ही कवर कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा रेफ़र कर लीजिए और बाकी सेल्फ स्टडी कर लीजिए तो ये मोर देन एनफ होगा। तो इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। दूसरा बात है कि ये जो जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं वो टोटल एप्लीकेशन बेस्ड हैं। मतलब कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल हो और इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ना दिखता हो, ऐसा नहीं है। तो इसको हम स्टडी कर बताऊँगा कि इसको डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे एप्लीकेशन बेस है। दूसरा बात है कि इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कहता क्या है, क्योंकि जो पर्टिकुलर केस होगा वो केस को हमें स्टडी करके देखना पड़ेगा कि वो मतलब वो बना क्यों है एक्चुअली में, वो जो प्रॉब्लम है वो किस कारण बना है, तो ही उसका सॉल्यूशन उससे आइडिया लग जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेक्शन को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं जो हमें ये बताता है कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए और इसको हमें कैसे टैकल करना है, वो मैं आगे धीरे धीरे बता रहा हूँ। जो पहला मेजर चैप्टर, जो अलग चैप्टर है इसके अंदर, वो है रेरा 2016। देखो, क्योंकि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं बिजनेस के अंदर, उनको सभी को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट या फिर कोई ना कोई अथॉरिटी बनी हुई है। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए RBI बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। उसी तरीके से जो शेयर मार्केट है उसको करने के लिए SEBI है। तो रियल स्टेट एक ऐसा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी भी था, और दूसरी बात है कि इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेरा अथॉरिटी, मतलब रेरा एक्ट बनाया, इसके अंदर एक अथॉरिटी बनाई और वो रियल स्टेट के पूरे भी जो भी मतलब रियल एक्ट के रियल स्टेट के जो भी एरिया हैं, जो भी मतलब कोर एरिया है या पूरा एंटायर एरिया को ये लोग रेगुलेट करेंगे। रियल स्टेट में काम करने वाले 3 लोग ही मेन होते हैं। एक तो प्रमोटर होता है जो कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है वो बनाता है, दूसरा अलॉटी होता है जो कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और तीसरा जो गवर्नमेंट है, रेरा अथॉरिटी है, वो है तो मतलब एजेंट है जो इसको बिकवाता है। ठीक है, तो इन तीनों को जो है रेगुलेट करने का काम रेरा अथॉरिटी करेगी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल में जा करके रेरा को डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। उसी तरीके से कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट भी हमने लॉ में नहीं पढ़ा, ये हम सिर्फ इस इकोनॉमिक लॉ में पढ़ेंगे। और कंपटीशन एक्ट का भी एक बहुत मेजर पर्पज़ है कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनमें एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी बिजनेस का पर्टिकुलर मोनोपोली हो जाएगा तो वो फिर मनमानता चार्ज करेगा, और इससे कंज्यूमर का जो हित है वो सही नहीं होगा और उसके हितों की अनदेखी होगी, और वो फिर मनमानता अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। कंपटीशन एक्ट ये देखता है कि कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट करने वाले जो भी चीज़ें हैं तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। ये कंपटीशन एडवोकेसी को बढ़ाता है, मतलब कंपटीशन को बढ़ाए इसकी वकालत करता है। तो इसके बारे में हम भी मैंने वीडियो डाला हुआ है पूरे चैप्टर को, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं।
बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, अब ये बहुत मेजर एरिया है। और ये जो ये मैं तीनों एक्ट बता रहा हूँ ना, इसमें हमारे आगे फ्यूचर और के लिए भी है, क्योंकि रेरा में डेफिनेटली बिल्कुल नया एक्ट है, उसी तरीके से कॉम्पिटिशन एक्ट भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। लेकिन बेनामी और ये रेरा और बेनामी और IBC, ये तीन ऐसे एक्ट हैं जिसके अंदर CAs के लिए, जो अभी इमर्जिंग नए नए CAs आएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बनेगा, क्योंकि रेरा डेफिनेटली नया एक्ट है, धीरे धीरे एप्लीकेबल हो रहा है, उसी तरीके से IBC नया एक्ट है और अप्लाई हो रहा है। तो जब तक हम उस लेवल तक पहुँचेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे लिए काफ़ी केसेस बन चुके होंगे जिसको हमें टैकल करना होगा, और मतलब हमारे लिए काफ़ी बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। तो वो तब होगा जब हम इस एक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और ये हम अभी ही कर सकते हैं, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। और वो इम्प्लीकेटर, सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो कहीं भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो ये हमारे लिए और भी बेनिफिशियल है। तो उसके बाद हमारा एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, जो कि हमने लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसमें बहुत बहुत मेजर चेंज नहीं होगा। और जो हमने लॉ में पढ़ा था और जो उस पर क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, लगभग उसी से लिंक इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत का अंतर होगा, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक के, दो तीन जो भी एग्ज़ाम आए हैं, लगभग उसी एरिया में ही क्वेश्चन आते हैं, और वही मेजर एरिया बनता है। क्योंकि जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना, मतलब एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो इस पूरे एक्ट के अंदर ना यही तीन चार सेक्शन हैं जो जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बाकी सेक्शन तो बहुत वैसे ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उस पर मतलब ऐसा क्वेश्चन बनने वाला चांसेस कम लगता है। फेम एक्ट है, इसके अंदर कुछ लिमिट्स है और ये चेंज होती रहती है, तो इसमें थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, मतलब हमें वो रेफर करना पड़ता है कि हाँ इसमें इतनी लिमिट थी, उतनी लिमिट थी, तो इसको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, अच्छे से रेफर करना पड़ेगा। जिसमें जैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर लिमिट है 2.5 लाख की, और वो ऊपर नीचे होती है, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। तो ये कुछ एक एरिया है जिन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको IBC हमने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा होगा, तो उसको हम यहाँ पे और अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो मैंने मतलब ओवरव्यू दिया कि हमारे ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से काम करता है। अब इसको हमें करना क्या होगा और लॉ से ये डिफरेंट कैसे होगा, वो इसलिए ये ऐसे डिफरेंट होगा, लॉ के अंदर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक पर्टिकुलर केस भी बना के दिया जा सकता है, और उसके अंदर हमें सीधा उसको केस केस बाई केस करके हमें उसको डिस्कस करना होता है, और उसको रिस्पेक्टिव प्रोविज़न के हिसाब से सॉल्व करना होता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है एग्ज़ाम का, वो ये रहा है, एक बहुत बड़ा सा केस स्टडी, तीन केस स्टडीज़ आते हैं इसके अंदर, तीन केस स्टडी में हमें दो करने होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर कुछ लगभग 20 मार्क्स का आपका MCQ आता है, और बाकी के जो 30 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी पहले तो एक 10 नंबर का आता था, फिर उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है। जो अभी तक का एग्ज़ाम, तीन बार का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर क्या ट्रेंड है कि जो केस स्टडी है ना, उससे लिंक क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे कंपटीशन एक्ट पे, रेरा एक्ट पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो ऐसे हैं कि जैसे कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब आप केस स्टडी मत पढ़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हाँ इस सेक्शन से लिंक है और उसका केस से कोई खास लिंक नहीं है, तो आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत केस का इम्प्लीकेशन हो, आपको केस का थोड़ा सा रेफरेंस लेना है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए था, उसने कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ परचेज किया, और उसको विद रिस्पेक्ट टू आपको फेमा बताना है कि वो उस फेमा में अलाउ है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस सेक्शन को रेफर करेंगे। जैसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, उसमें एक लिमिट दे रखी है, शेड्यूल्स हैं उसके, तो कौन से शेड्यूल के अंदर प्रोहिबिटेड है या फिर परमिटेड है, वो उसका रेफरेंस देंगे, और उसके रेफरेंस देने के बाद वो जो जो भी पर्टिकुलर केस है उसमें उसने कितने का ट्रांजेक्शन किया, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ कि हाँ इसने इतने तरीके का ट्रांजेक्शन किया, तो उसके हिसाब से वो परमिशेबल है या नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, ओके, नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। तो उस तरीके से अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है, वो कहते हैं कि एग्ज़ाम पूरा नहीं होता, तो उसके रीज़न दो तीन है। एक तो क्या है कि हमारे पास बुक होता है, तो हम उसमें पता है पूरा का पूरा प्रोविज़न हम लिख डालते हैं, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें जो पर्टिकुलर पूछा गया है आप उसका रेफरेंस दीजिए और उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फेमा में ही बात करते हैं, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में कितने कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, वो सब कुछ लिखने लग जाते हैं, तो उसका रेलिवेंस नहीं आता। अगर मान लीजिए उसने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछा है कि, और वो एक शेड्यूल जो है RBI के जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर मान लीजिए परमिटेड नहीं है एक उल्लेख, तो आप सीधा लिखिए ना कि एज पर सेक्शन 5 शेड्यूल दिस क्लॉज नंबर दिस, क्योंकि आपके पास बुक है तो आप क्लॉज भी लिख सकते हैं, तो क्लॉज नंबर दिस के अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए, इतना परमिसेबल है, इन द गिवन केस दिस इज नॉट परमिटेड या फिर दिस इज परमिटेड, तो इस तरीके से आप उसको बना करके लिखेंगे, तो डायरेक्ट वो सॉल्व करके लिखा जा सकता है, इसकी बजाय कि आप पूरा पूरा प्रोविजन को कॉपी पेस्ट मार दें। तो एक ये प्रोसेस होगा। अभी मैं
जो अभी इस रिसेंट एग्ज़ाम आया है उसके एक दो क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ कि जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वाला मतलब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो जैसे कि हम ये देखिए क्वेश्चन एक आया था अभी वाले इसी रिसेंट एग्ज़ाम में आया था कि 2.2 नंबर, ये रेरा पे क्वेश्चन है। इसमें बात कहा गया है एज़ पर रेरा विनर विनर एक केस के अंदर एक कंपनी है उसके अंदर, तो हमें पहले हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े जैसे कि इसमें है। तो एज़ पर रेरा विनर इज़ रिक्वायर्ड टू एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी ऑफ विनर सिक्रम विद इन डैश मंथ। अब देखो इसमें बोला है उसने कि जो रेरा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोटर है उसको कितने महीने के अंदर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनाना पड़ेगा। तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी क्या होता है, जैसे जो भी प्रमोटर प्रमोटर मतलब कौन, जो रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बनाता है बनाने वाला, ठीक है, तो जो वो प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि जो मेन जैसे जिन जिन अलॉटीज ने पैसे लगाए हैं तो उनको वो पेमेंट करेगा, लेकिन जो कॉमन एरिया है तो उसको कॉमन एरिया को किसको देता है, वो जितने भी अलॉटीज अप्लाई करते हैं ना तो उन सभी का एक एसोसिएशन बनाता है, एसोसिएशन के नाम पे वो कर दिया जाता है। तो मतलब एसोसिएशन का क्या बेनिफिट हुआ, जैसे मान लीजिए एक अलॉटी है, दो अलॉटी, ऐसे 3, 4, 5, 6 बहुत सारे अलॉटीज हैं, तो इन सभी का एक एसोसिएशन बना दिया और सबको एक एक वोट दे दिया और ये जो है इनके नाम पे है। अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये कॉमन एरिया है, मतलब ये वाला एरिया मेरा है, ये मेरा है, ये सभी का एरिया है, कॉमन एरिया हो गया तो उनको बांट दे, तो ये अब इनमें लड़ाई हो जाएगी आपस में, तो कोई एसोसिएशन बनाएगा नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, प्रमोटर को दी गई है। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि देखो प्रमोटर के पास ही तो अप्लाई करते हैं अलॉटी, तो उसके पास सारा डिटेल होगा ही, तो वहाँ से वो सभी एसोसिएशन जो अलॉटीज हैं उनको बुलाएगा और उनका एक एसोसिएशन बना देगा। उनके एसोसिएशन बनाने के बाद ये कहेगा कि ये जो भी कॉमन एरियाज होगा वो उनके नाम पर दे दिया जाएगा, जिससे मतलब उनका लड़ाई नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अभी इसके अंदर पूछा कि कितने महीने के अंदर है, तो हम क्या करना होगा, अब हमें जैसे अभी आपने अगर पढ़ा होगा सेक्शन को तो आपको एकदम से रिकॉल होगा कि नहीं 3 मंथ्स है। अब देखो 3 मंथ्स तो सभी को पता है, इसीलिए इन्होंने ऑब्जेक्शन जो ऑप्शन है उनको कन्फ्यूज करने के लिए क्या बोल रखा है, 3 मंथ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अलॉटी हैविंग बुक देयर अपार्टमेंट। अब ये तो लग रहा है कि हाँ सही है और ये सही भी है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए ऑप्शन क्या है, 3 मंथ्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट। अभी ये ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट में कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ये अलॉटीज वाले सेक्शन 19 की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा है 3 मंथ्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अलॉटी रजिस्टर्ड देयर अपार्टमेंट विद इन सब रजिस्ट्रार। अब सब रजिस्ट्रार पे तो रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं है, कहीं भी हमने सेक्शन में पढ़ाई नहीं, लेकिन ये आपको तब पता होगा जब आपने सेक्शन को रिकॉल किया होगा। अब इसको पढ़ते ही आपको एकदम से कॉल हो जाना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन से लिंक होगा। तो देखो इसको याद करने का कैसे तरीका है, अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद होता है तो भी आपको ये तो पता होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की है। तो प्रमोटर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में थी, तो प्रमोटर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 11 के अंदर थी, तो हमें सीधा उसको सेक्शन 11 को रेफर करना पड़ेगा। अच्छा यही सेम कुछ जो है ड्यूटीज है वो सेक्शन 14 के अंदर भी था, जिसके अंदर 5 साल। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ने पूछा है कि एज पर रेरा विनर इज रिक्वायर्ड टू एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी ऑफ विनर सिक्रम विद इन डैश मंथ। तो हमें ये तो पता है कि 3 मंथ्स है और ये सेक्शन 11 में बताया गया है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स की ड्यूटी होती है कि वो 3 महीने के अंदर जो एसोसिएशन है अलॉटीज का वो बना दे। अब इसके पीछे लॉजिक ये है जो मैं बता रहा था कि क्योंकि सारे जो भी एप्लीकेशंस आती है वो प्रमोटर के पास आती है, प्रमोटर के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे जो भी अलॉटीज होते हैं उन सभी अलॉटीज को बुलाया जाता है और उनको बुला करके उनके बीच में से मतलब उन बीच में से एक चेयरमैन डिसाइड कर लिया जाता है और उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसको हम सोसाइटी, जो भी एप्लीकेबल लॉ होगा जिस स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर एक सोसाइटी बना दी जाती है जिसको एसोसिएशन आर्टिकल अलॉटी एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बोलते हैं। तो ये जो कंप्लीट एसोसिएशन है ना इनके फेवर में जो कॉमन एरिया के राइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब भी मान लीजिए अगर किसी मेंबर को जो या जो मतलब अलॉटीज के मेंबर हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के मेंबर हैं, तो उनको अगर वो मान लीजिए अपना फ्लैट या बिल्डिंग बेच के जाना होता है तो वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, वो सीधा इनके फेवर में अपने राइट को मतलब बेच देते हैं और ये उनको जो भी पैसे होते हैं रिक्वायर्ड वो दे देते हैं, और फिर आगे जो फर्दर किसी और को अलॉट करना सोसाइटी में तो ये फिर एसोसिएशन डिसाइड करता है कि किसको सेल आउट करना है, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमें अब ऑप्शंस में हमें काफ़ी कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन करने के लिए 3 मंथ सभी में दे रखा है क्योंकि 3 मंथ तो हमें पता ही है। अब इसमें देखा है कि 3 मंथ फ्रॉम विच, तो हमें इसके लिए पहले सेक्शन को याद करना मतलब सेक्शन रिकॉल करना जरूरी है कि वो कौन से सेक्शन से है। तो हमने सेक्शन 11 देखा कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सेक्शन 11 में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 11 को रेफर करेंगे। अब सेक्शन 11 में 3 मंथ फ्रॉम
मैं जो अलॉटीज़ हैं उनके जब अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं वो लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। एग्जैक्ट हमें इसको जो सब सेक्शन कोड करने के लिए मैं सेक्शन से रेफ़र करवा देता हूँ एक बार। देखिए इसका सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 4 है और क्लॉज ई है। अगर आप इसको आईसीआई की बुक से रेफ़र करेंगे तो इसमें सेक्शन, ये देखिए सेक्शन 11 है, इसमें हम सब सेक्शन 4 में जाते हैं, 2, 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, 4 में अगर आप जाइएगा और यहाँ पे ई पार्ट पे जाइएगा तो ई पार्ट में इसका आंसर दिया हुआ है। ई पार्ट में ये क्या कहता है कि अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द केस मे बी ऑफ अलॉटी और फेडरेशन ऑफ द सेम अंडर द लॉ एप्लीकेबल प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉ द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बाय वट एवर नेम कॉल्ड शैल बी फॉर्म्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अलॉटी हैविंग बुकड देयर प्लॉट और अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी इन द प्रोजेक्ट। तो यही ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ था कि 3 मंथ्स फ्रॉम जब वो अलॉटीज जो मेजर अलॉटीज हैं उन्होंने अपने प्लॉट को बुक किया होगा, तो इसलिए अपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो अपार्टमेंट वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि रेरा अथॉरिटी सेंड ए नोटिस टू द विनर दैट देयर एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग वॉज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द रेरा 2016 इवेल्युएट। रेरा अथॉरिटी ने एक नोटिस भेजा कि विनर जो इस केस में मतलब प्रमोटर है कि आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट किया है वो रेरा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो रेरा के अकॉर्डिंग नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट, वो किस ग्राउंड पे नहीं होगा इसमें वही है, आप केस को स्टडी करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे बस ये रेफरेंस दे देता हूँ कि जैसे ही हमने ये देखा कि वो जो नोटिस दिया है और इस ग्राउंड पे कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो रेरा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका लॉजिक क्या है, इसके लिए हमें सेक्शन 3 को रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 3 में ये बात कही गई है कि आप यानी प्रमोटर तब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता या फिर सेल के लिए ऑप्शन नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता कि जब तक उसने रजिस्ट्रेशन ना लिया हो, तो इसके लिए आप सेक्शन 3 रेफ़र करेंगे। तो ये इसका पहला ही जो सब सेक्शन है वो बात करता है कि दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर टू सेल और इनवाइट ए पर्सन टू परचेज इन एनी मैटर एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन एनी रियल स्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल स्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और ये 3 महीने के अकॉर्डिंग जो हमने डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस ये रेफर करना चाह रहा था कि इसने जो इस केस में है विनर ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था और उसके बिना ही वो एडवर्टाइजमेंट करने लग गया, तो इसके पीछे ये होगा कि हाँ उसका जो नोटिस है रेरा का वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सिंस द विनर लॉन्च द प्रोजेक्ट एंड कमेंस द मार्केटिंग इवन बिफोर द प्रोजेक्ट रिसीव द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेरा। उसने क्या करा था इस केस में, अप्लाई तो कर दिया था लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट करने लग गया था, तो इसलिए उसका वो जो रेरा ने नोटिस दिया वो वैलिड है और वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो सही नहीं है, तो वो एज पर रेरा नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। ये कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रिंग द अपार्टमेंट इन द नेम ऑफ अलॉटी विनर इन्फॉर्म द अलॉटी दैट दे नीड टू पे द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द अपार्टमेंट इवेल्युएट। देखो इसमें क्या है कि इसके लिए हम वही प्रमोटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है, उसको रेफ़र करना पड़ेगा और वो ड्यूटीज़ हमने सेक्शन 11 में रेफ़र किया था। तो सेक्शन 11 में कहा गया था कि जब तक फिजिकल पोजेशन को हैंडओवर नहीं किया जाएगा तो तब तक के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उसको प्रमोटर बियर करेगा। इस क्वेश्चन में बात कह रहा है, प्रमोटर कह रहा है कि नहीं, आपने जैसे ही वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी और इस सब के चार्जेस हैं ना उनको जैसे ही हमने रजिस्टर्ड किया अपार्टमेंट उनके अलॉटी के नाम पे, तो उसके साथ ही अलॉटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है प्रमोटर कि आपको बियर करना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 11 को रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस पहले मैं एक बार सेक्शन को रेफ़र करवा देता हूँ, तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा। देखो सेक्शंस 11 हमारे पास है, ये रहा सेक्शन 11, इसमें बोल रखा है सेक्शन 11 का अगर आप जी पार्ट देखेंगे ना तो ये कहता है कि पे ऑल आउटस्टैंडिंग अंटिल ही ट्रांसफर द, ही बोले तो प्रमोटर ट्रांसफर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द रियल स्टेट प्रोजेक्ट टू द अलॉटी और एसोसिएशन ऑफ अलॉटी एज द केस मे बी विच ही कलेक्ट फ्रॉम द अलॉटीज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग द कॉस्ट। मतलब क्या है कि वो उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव किया हुआ था अलॉटी से, तो अब अलॉटी पे अलग से वो नहीं कह सकता कि आपको ये बियर करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को रेफर करेंगे अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करता है
टाइम लिमिट के बारे में बात करता है कि कब उसको जो फिजिकल पोजेशन है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल पोजेशन हैंड ओवर करने के लिए वही टाइम है 2 मंथ्स, और ये हमने सेक्शन 19 के अंदर रेफर किया था, सेक्शन 19 जो अलॉटी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था कि सेक्शन को रेफर करते हुए आंसर पुट अप कर देना था। जैसे कि मान लीजिए पहले मैंने सी सेक्शन किया, सेक्शन 3 को रेफर कर दिया था, सेकंड 2.0 का जो आंसर था वो ए था, और इसकी सेक्शन 11(4)E के अकॉर्डिंग था। उसी तरीके से सेक्शन 11(4)G के अकॉर्डिंग ये था, और ये वाला क्वेश्चन 19(D) के अकॉर्डिंग था। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रेफर करना था, और इसमें ज़्यादा रीजनिंग ना देते हुए सिर्फ रेफरेंस दे देते तो सही चल जाता। इसके साथ जो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें 4-4 मार्क्स के हैं। तो इसमें क्या जो ये क्वेश्चन आया था इस पे ये लिखा हुआ था कि आपको एग्जामिन करना था अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंडीशन मेंशन इन द एग्रीमेंट टू सेल इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रोविजन ऑफ रेरा 2016। तो इसके अंदर आपको सारे जो जो एग्रीमेंट के प्रोविजन थे वो हमारा सेक्शन 11 या सेक्शन 19 और सेक्शन 14, ये सेक्शन ही ज़्यादातर कवर करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक कंडीशन रखी थी जिसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा, हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग रेफर करना था। ये देखिए जैसे कि ये कंडीशंस दे रखे हैं इस केस के अंदर, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन दे रखा था 31 मार्च 2020। तो हमें इसमें ये देखना था कि जो कंप्लीशन होता है वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बात की गई है कि जब भी रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और उस पीरियड के अगर अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सटेंशन मिल सकती है एक स्पेसिफिक ग्राउंड पर, और वो भी 1 साल से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए सेक्शन 4 को रेफर करके हमें आंसर देना था। उसके बाद था एक्सपेक्टेड डेट इन ऑफ हैंड ओवर 31 मई 2020। अब देखो कंप्लीट तो किया था 20 में और ये कह रहा है 31 मई 2020 को, तो इतना डिले है तो फिर वो ग्रेस पीरियड, अच्छा 4 मंथ्स दे रखा था इसके अंदर। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 4 मंथ का ग्रेस पीरियड पहले ही और वो ही रजिस्टर्ड है तो वो ठीक होगा, और वो नहीं लिखा हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं, वो ये भी सेक्शन 4 के बेस कर रहा था। बुकिंग अमाउंट आप बिना एंटर किए, मतलब एग्रीमेंट में एंटर किए बिना 20% ले रहा है जबकि 10% ही अलाउड है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना था कि नहीं ये सही नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उतना ही अलाउड है। उसके बाद क्या रखा है, ओपन कार पार्किंग के लिए एडिशनल पैसे ले रहा है तो ये भी अलाउड नहीं क्योंकि जो एग्रीमेंट में लिखा है उतना ही ले सकता है, उसे ज़्यादा नहीं ले सकता, वो भी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। एनी डिले इन पेमेंट ड्यूज बाय द अलॉटी विल लेबल टू इंटरेस्ट इन सच डिले पेमेंट। तो फिर उसको क्या है, अलॉटीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग, भाई उसको टाइम से पेमेंट करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके उसको पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, अलॉटी को, और वो देगा प्रमोटर को, ठीक है। उसके बाद कहता है रिटर्न्स ऑफ बुकिंग अमाउंट शैल नॉट बी एंटरटेन फॉर एनी रीजन व्हाट सो, गलत है क्योंकि अलॉटी के पास राइट होता है कि अगर एज पर एग्रीमेंट प्रमोटर ने काम नहीं किया तो अलॉटी क्या कर सकता है, उसको पेनल्टी उस पर मतलब इंटरेस्ट भी लगा सकता है, उससे पेनल्टी रिकॉल कर सकता है और उससे अपने प्रोजेक्ट से अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है, तो ये सारे राइट अलोटिस के दिए हुए हैं। विनर ग्रुप शैल बी लेबल फॉर द डेफिशिएंसी 3 ईयर्स के लिए बोला है, नहीं जबकि 5 साल के लिए है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इसको आंसर को हमें ड्राफ्ट करना था क्वेश्चन को देखते हुए, और उसको हमें आंसर को लिखते जाना था, और इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी तरीके से हमें इसको आंसर देना था। फिर अगला कुछ क्वेश्चन थे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थे, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, हमें सेक्शन के को कोट करते हुए करना था। इस सब्जेक्ट को अब जो भी आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट है नवंबर 19 में या उसके बाद भी, तो आपको इसमें क्या करना है, जो भी मैंने पहले आप उसको एक बार अपने आप गो थ्रू कर लीजिए टेक्स्ट को, उससे बेटर होगा कि आप मेरे वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं सभी टॉपिक के ऊपर उसको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए उससे। उसके बाद आप सेल्फ रीडिंग ले लीजिए, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है अगर लेटेस्ट अपडेट होकर आया है तो वो वाला, नहीं तो जो भी पुराना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते उससे भी कर सकते हैं, और जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो नोटिफिकेशन से रेफर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को टैकल करने का और इस सब्जेक्ट को में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बार 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 क्वेश्चंस को बार बार मतलब उसको पेज को पलट पलट के रेफर कर, मतलब ग्रिप बनानी पड़ेगी कि हाँ ये वाला सेक्शन इस वाले पेज पे होगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा एक बार ना बार बार इसको पलटते रहेंगे कि हाँ ये वाला सेक्शन, ये वाला चैप्टर इस चैप्टर पे है, मतलब ये वाला जो प्रोविज़न है वो इस पेज पे है, ऐसे ऐसे करके जब करते रहेंगे बार बार ना वो पलटते रहेंगे तो आपको मतलब ये याद हो जाएगा एक तरह से। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको बार बार पढ़ते रहना है, रीडिंग लेना है, रीडिंग लेते लेते आपको ये सारे प्रोविजन्स भी रिकॉल हो जाएंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे तो उससे वो अपने आप ही उसमें रिकॉल होते जाएंगे, वीडियोस को ही माइंड में बार बार उसको आप देख लीजिए तो उससे आपको ये प्रोविजन्स याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर कुछ और सजेशंस चाहिए तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। फिलहाल मैंने काफ़ी जो भी वीडियोस बना रखी है वो नवंबर 19 के लिए सफिशिएंट है, अगर कोई अमेंडमेंट आती है इसके अंदर तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप नवंबर 19 के लिए वही वाले वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको उससे बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली आप
शेयर करना चाहिए, आप उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।